हाय गाइस, इस वीडियो में विल टॉक अबाउट SHM एज सर्कुलर मोशन एंड फेज। ठीक है, फेज क्या होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि SHM को जब पहली बार ऑब्जर्व किया गया तो उसको एक सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन के तौर पर ऑब्जर्व किया गया। कैसे? मान लें एक दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है। इस प्लेन में एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट, और यहाँ से हमने लाइट मारी, दिस इज अ लाइट बीम। अब उसकी जो शेडो है, इस पार्टिकल की जो शेडो है वो इधर एक स्ट्रेट लाइन मोशन करती हुई नजर आएगी। दिस प्लेन इज अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, तो मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, इस पोजिशन पर, यहाँ पर, और वो ऐसे करके घूम रहा है विद एन कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द गिवन डायरेक्शन, और उसने एंगल कवर किया होगा टी टाइम में, वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो उसने कितना एंगल कवर किया? ओमेगा टी, बिकॉज थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी, तो इतना एंगल कवर किया और वो यहाँ पहुंच गया। अब आप बोलेंगे कि इस शेडो के साथ क्या हुआ? शेडो थोड़ा आगे मूव की, वो कितना आगे मूव की? दैट इज दिस दिस लेंथ। सो व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज नथिंग बट, अगर ये जो आर्क जिसकी रेडियस हम निकाल रहे हैं ए है, अगर रेडियस ए है तो ये मूव किया ए साइन थीटा, विच इज ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, दैट इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ शेडो। यहां से इस पोजीशन से, इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन बोल रहे हैं। अगर आप शेडो का मोशन देखें तो शेडो बड़ी होगी, या ये पॉइंट आगे जाएगा फिर वापस आएगा इस पर, और जब ये यहां होगा तो वापस से शेडो यहां आ चुकी होगी। जब ये इस जगह पर होगा तो शेडो अपने इस लोकेशन पर पहुंच चुकी होगी, फिर ये इधर जाएगी, ये घूमता घूमता पार्टिकल इधर आएगा, और शेडो वापस से यहाँ आ चुकी होगी, फिर पार्टिकल घूमता घूमता वापस से जब इधर वापस पहुंचेगा, शेडो यहाँ आ चुकी होगी। सो दैट कंप्लीट्स वन सर्कुलर मोशन और वन ऑसिलेशन इन द शेडो फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से शेडो ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया। ऑसिलेशन को ध्यान से देखें, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टी इक्वल टू जीरो, एक्सट्रीम पर गया, वापस आया, फिर इधर एक्सट्रीम पर गया, फिर वापस आया, दैट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ है, ये यहाँ से इधर गया, फिर वापस इधर, एंड दिस इज वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ओके, सो SHM इज नथिंग बट कैन बी ऑल्सो सीन एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कुलर मोशन। ओके, इस पर हम वही उस सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर जस्ट शो कर रहे हैं, दैट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसी को मेन पोजिशन मान लूँ तो सिंपली एक्स ए साइन थीटा या ए साइन ओमेगा टी आ जाता है। दैट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ SHM विच वी डिराइव्ड अर्लियर, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन तो अभी हमने डिराइव की ही थी। अब वट डू मीन बाय फाई और इनिशियल फेज का क्या मतलब है उसको भी देखते हैं। अब ये सिमिलर डायग्राम है, बस इसमें एक्स इक्वल टू जीरो उसका सर्कल का सेंटर ना होकर कहीं और है, कुछ दूरी पर, और सेंटर जो है सर्कल का सेंटर वो ओरिजिन से एक्स मीन डिस्टेंस पर है। एक्स मीन कोई भी एक वैल्यू है, एक्स नॉट बोल सकते हैं इसको। तो इस बार अगेन, इस बार हमने एक और चेंज किया, टी इक्वल टू जीरो पर वो जो पार्टिकल था वो यहाँ ना होकर यहाँ था। ओके, दैट इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, कर्सर को बहुत ध्यान से देखें, टी टाइम में उसने ओमेगा टी एंगल कवर किया, दिस एंगल इज ओमेगा टी यहां से लेकर यहां तक का। ओके, सो व्हाट इज द टोटल एंगल फ्रॉम दिस पोजीशन? इज फाई नॉट प्लस ओमेगा टी। ओके, तो ये वाली लेंथ जो काउंट होगी, दैट लेंथ विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ओके, इस लेंथ को आप ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बोल सकते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या लिखे जाएंगे? एक्स इक्वल टू एक्स मीन प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ओके, दैट इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ एन SHM। ओके, ओमेगा इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है, और ये जो शेडो है इसकी जो SHM कर रही है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहलाती है। फाई नॉट वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है इस चीज पर रिलाई करता है। एक्स मीन उसकी मीन पोजीशन क्या है, या उस सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है,
वो डिसाइड करते हैं। ए उस पार्टिकल की SHM करने का एम्पलीट्यूड, या फिर उस सर्कुलर मोशन की रेडियस। ओके, तो इस तरीके से हम एक SHM को एक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन के तौर पर देख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से अगर मैं एक्स मीन को 0 मान लूं, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग केसेस लेते हैं, एक्स मीन इज इक्वल टू 0। ओके, और मुझे बोला जाता है कि पार्टिकल इट यहां पर था, अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर था एट टी इक्वल टू 0। एट टी इक्वल टू 0, पहला हम इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, एट टी इक्वल टू 0 द लोकेशन एक्स वॉज प्लस ए, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? अब मैं बोलूंगा दिस इज बेसिकली फाई नॉट, ये एंगल हो जाएगा क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर यहां पर है। तो व्हाट इज फाई नॉट? फाई नॉट इज पाई बाय 2, सो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट SHM। ओके, सेकेंड पार्ट, अगर मैं बोलूं वो मेन पर ही था मगर इधर जा रहा था। ओके, ध्यान से, अभी इस रोटेशन के हिसाब से टी इक्वल टू 0 पर ये इधर जा रहा है दिस डायरेक्शन में, मगर हमारी कंडीशन क्या है, वो एक्स मीन पर था एट टी इक्वल टू 0, इट वॉज एट एक्स मीन एक्स इक्वल टू 0, देन बट वेलोसिटी जो थी वो नेगेटिव थी, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाकर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, सो द इनिशियल फेज इज दिस मच कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक, सो द इनिशियल फेज फाई नॉट इज नथिंग बट पाई। तो इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, जिसको आप सॉरी पाई बाय टू नहीं, पाई, जिसको आप सीधे सीधे माइनस ए साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ओके, और इस इक्वेशन को जो ऊपर है इसको आप ए कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से फेज डिसाइड करके, फेज इज बेसिकली द इनिशियल कंडीशन कि वो कहाँ से आपने टाइम नोटिस करना स्टार्ट किया, ठीक है। मान लो वो जब लेफ्ट एक्सट्रीम पर था तब आपने टी इक्वल टू 0 काउंट कर लिया, ठीक है, व्हेन द पार्टिकल वॉज एट इट्स लेफ्ट एक्सट्रीम आपने तब से टाइम नोटिस करना चालू किया, तो फाई नॉट को हम माइनस पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बेटर होता है माइनस पाई बाय 2 लिखना। तो इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, विच इज नथिंग बट माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ओके, तो इस तरीके से आप इक्वेशंस बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल कंडीशन, दैट इज द फेज। ओके, इस तरीके से हम फेज के बहुत बहुत सारे एप्लीकेशंस कर सकते हैं, और फेज एक बहुत बहुत इफेक्टिव तरीका है आपको SHM में डील करने का। एक और खास बात, अगर हम पूरा फेज देखें, दैट इज द इनिशियल फेज, दिस इज कॉल्ड द होल फेज, और फाई डेल्टा फाई इज नथिंग बट ओमेगा डेल्टा टी, तो इक्वल फेज विल बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिमेंबर दिस, इक्वल फेज विल बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। हाँ, हम ऐसा एक्स या किसी भी और चीज के बारे में नहीं बोल सकते, ठीक, फेज वर्सेस टाइम इज अ लीनियर फंक्शन, सो इक्वल फेज विल बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एंजॉय।